सैनिक, वसुदेव को उस बंदीगृह में डाल दो। जिस बहन के आंसू कंस नहीं देख सकता था, आज उसके शरीर से लहू बह रहा था। परंतु कंस के मन में तनिक भी करुणा नहीं जागी। उसकी दृष्टि में वो अपनी बहन को नहीं, काल को बंदी बना रहा था। और देवकी को उस कारागार में। दाम्पत्य जीवन में ऐसा प्रवेश किसी का ना हुआ होगा, जैसे माता देवकी और पिता वासुदेव का हुआ। स्वागत में आतुर संबंधियों के स्थान पर कंस के क्रूर सैनिक थे। सुहाग सेज के नाम पर कठोर धरती और सुसज्जित कक्ष के स्थान पर घुटन भरा कारागृह। सोचा था कि अपने प्रिय बहन के लिए विशाल सा राजमहल बनाऊंगा, हर सुख सुविधा दूंगा तुम्हें, पर तो दुर्भाग्य तुम्हारा, तुम्हें अब संपूर्ण जीवन यहीं इसी बंदी गृह में बिताना होगा। कैसे पत्थर मन का था ये कंस, जिसे अपनी छोटी बहन के अश्रु भी पिघला ना सके। मैंने तुमसे कहा ना रुक्मणी, ये पापियों का कोई मित्र कोई बंधु नहीं होता। संसार में उनका नाता केवल भय से होता है। भय का सहारा लेकर वो सब लोगों पर शासन करते हैं, और जब उन्हें स्वयं भय सताता है तब वो अपना वश खो बैठते हैं। कंस के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। सबको अपनी शक्ति से भयभीत कर देने वाला कंस स्वयं अपनी मृत्यु के भय से बहुत डरता था। हृदयहीन तो वो पहले से ही था। मन में जो थोड़ा बहुत प्रेम देवकी माता के लिए था, वो भय की चोट पड़ते ही हृदय छोड़कर चला गया। माता देवकी और पिता श्री वासुदेव को उन्होंने अलग अलग कारागार में डाला ताकि उनकी संतान जन्म ही ना ले सके। परंतु माधव, आप और आपके साथ अग्रजों का जन्म कैसे संभव हुआ? ये क्या माया थी? रुक्मणी, मुझे तो जन्म लेना ही था और यही विधि का विधान था। देवकी माता को मुझे जन्म देना था, इसीलिए ब्रह्मदेव ने नारद मुनि को कंस के पास भेजा ताकि वो अपनी बातों से कंस को उलझाकर इस समस्या को सुलझा सके। पहेलियां मत बुझाइए, बताइए ना, नारद मुनि ने ये सब संभव कैसे किया? नारायण नारायण। जब से आकाशवाणी हुई है मैं आराम से सो भी नहीं पा रहा हूं। क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों हो रहा है? हुआ महाबली कंस, क्या स्वप्न में भी नारायण के हाथी अपना वध देख रहे थे? चलो अच्छा ही है, ठीक समय पर जाकर मृत्यु के मुंह से निकल आए। अच्छा हुआ स्वप्न था, वास्तविक होता तो मृत्यु इतनी सरलता से पीछा नहीं छोड़ती। कौन है? समक्ष आओ। कौन है? अन्यथा क्या मथुरा नरेश, क्या हमारा भी वध कर दोगे? निर्दोष नारद का। नारायण नारायण। प्रणाम महाबली कंस, हम हैं नारद मुनि, कोई यमदूत नहीं है महाराज। नारायण नारायण।
परंतु ये क्या महाराज, आपने अपनी कैसी दशा बनाकर रखी है? प्रकृति पर स्वेग, मस्तक पर चिंता की रेखा है। अभी तो आप जीवित है महाराज, और सुरक्षित भी। आपने अपने काल को कारगार में बंदी जो बना रखा है, नारायण नारायण। परंतु महाराज, हमारे मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा है। ऐसा करने से क्या होगा महाराज? जब समय आता है तो कारगार के सभी ताले स्वयं ही खुल जाते हैं। और तो और महाराज, हमने तो ये भी सुना है कि आपके लिए कोई भविष्यवाणी हुई है। हुई है ना? आकाशवाणी तो हुई थी, पर केवल इसलिए हम देवकी, मेरी बहन देवकी, उसको बंदी बनाकर रख दिया। नारायण नारायण, महाप्रतापी कंस, महाशक्तिशाली कंस, और देवताओं के इतने छोटे से प्रयास से आप भयभीत हो गए महाराज। यदि इसी प्रकार आप भयभीत होकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो मृत्यु से पहले ही कई बार आप मरते रहेंगे महाराज। नारायण नारायण। बस मेरे घाव को खुले दो मत नारद। यदि कुछ करना है तो ऐसा कुछ उपाय बताइए कि मेरा जो आने वाला काल है वो आने से पहले ही, जन्म लेने से पहले ही समाप्त हो जाए। परंतु सावधान, देवताओं का पक्ष मत लेना। निष्पक्ष होकर मंत्रणा देना मुझे। नारायण नारायण। महाराज, हमने तो सदैव असुरों का ही पक्ष लिया है, इसीलिए तो समस्त देवी देवता हमें भाते नहीं है महाराज। आप भूल रहे हैं कि आप प्रतापी हैं, पराक्रमी हैं। इतने शूरवीर होने के बाद भी महाराज आप एक अजन्म बालक से इतने भयभीत हो रहे हैं, क्यों महाराज क्यों? यदि आपको काल पर विजय प्राप्त करनी है तो काल के भय को अपने मन से बाहर निकालिए। महाराज, तनिक जरा विचार कीजिए। जब आपकी प्रजा को पता चलेगा कि आप महाबली कंस, महाप्रतापी कंस इतने भयभीत हो गए हैं, तो वो आपका सम्मान नहीं करेगी महाराज। और तो और, आपके शत्रु भी अपने आप को स्वतंत्र अनुभव करेंगे। काल से पहले ही आप काल कल्वित हो जाएंगे महाराज। नारायण नारायण। तो फिर आप ही बताइए ना, क्या करूं मैं? नारायण नारायण, करना क्या है महाराज? आने दीजिए अपने काल को धरा पर, जन्म तो लेने दीजिए वासुदेव और देवकी की आठवीं संतान को। जब सब जान जाएंगे कि आप निडर हैं, तो स्वयं उनके मन में आपका भय उत्पन्न हो जाएगा महाराज। ज्ञात होने दीजिए सभी को कि महाबली कंस, महाप्रतापी कंस अपने प्रताप से किसी भी भविष्यवाणी को असत्य सिद्ध कर सकते हैं महाराज। महाराज, आपने सदैव अपने शक्तियों का प्रयोग मनुष्य पर किया है, तनिक देवताओं को भी अपना प्रताप, अपनी निर्भयता, अपनी निडरता का प्रमाण तो दीजिए। जन्म लेने दीजिए अपने काल को, और फिर उसका वध कीजिए, और फिर देखिए महाराज, कोई भी देवता भविष्य में कोई भी भविष्यवाणी करने की भूल नहीं करेंगे। नारायण नारायण। कंस के मन में नारद ने अहंकार और भ्रम भर दिया था। कंस संसार को दिखा देना चाहता था कि वो किसी से भयभीत नहीं, और उसने फिर से मां देवकी और पिता श्री वासुदेव को एक साथ रहने की आज्ञा दे दी।